क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही, रोक के कर, रोक के कर, किक मार रोक के। तो भाई साहब बुलेट ही बंद हो गई यहाँ तो। रोक ले एक बार, रोक ले, रोक ले एक बार, बुलेट खराब हो गई, क्या कर सकते हैं। क्या हो गया? 8 PCR तो है, 8 PCR है। तो यहाँ से है चाइना 10 किलोमीटर और जानकर है 17। तो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आवाज में एनर्जी देख रहे होगे आप कितनी ज्यादा आ रही है। तो भाई सीन ऐसा है, कल हम रात को स्टे था हमारा मनाली में, क्या कहते हैं, कल वाला ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। मे बी ना लगा हो तो भी बता देना क्यों। आज सीन ऐसा है, हम लोग निकल रहे हैं अब किलोंग के लिए, या तो किलोंग रुकेंगे या सरचू रुकेंगे या जसपा रुकेंगे। फटाफट से नहाने जा रहा हूँ, 12 बजे तक हम निकलेंगे यहाँ से। ब्रेकफास्ट भी आ रहा है, ब्रेकफास्ट भी करते हैं। कल वाला व्लॉग आई नो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि पूरा रास्ते बाइक चलाते हुए हैं, पर आज वाला व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होगा, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। 360 व्यू भी आपने देखा होगा और ये देखो मैं अपने कैमरे के लिए कितना जुगाड़, कितने सारा सेटअप लेकर जा रहा हूँ। ये सारा मेरे कैमरे का सेटअप है, अलग अलग जगह पे माउंट करने के लिए, हाथ पे, छाती पे, कमर पे, हर जगह। तो वही अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में हमारे है पराठे, चाय, दही, प्लेट और अभी मैगी भी आ रही है, वो भी खाएंगे। देखिए भाई ये है हमारी कुछ बालकनी, देख रहे हो, यहाँ पे बैठ के करो डिनर, यहाँ पे आराम से झूला झूल। पहाड़ी भाई हैं ये हमारे, ठीक है, आजो 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 आजो। तो जो यहाँ से व्यू आता है ना भाई साहब अल्टीमेट है, पूरे मनाली में कहीं से ऐसा व्यू नहीं आता। वी आर ऑल सेट विद सामान सामून जो भी है, अब चलते हैं फटाफट। भाई हमने खरीद ली है एक जेरी कैन, इसको बांध रहे हैं हम बाइक पे, और मैंने अपनी चैन लूप करा ली है पूरी, आप देख रहे हो एकदम ऑयलिंग करा ली, लूप करा लिया, ये करवा लिया गियर में, ब्रेक में, यहाँ पे सब जगह ऑयलिंग वगैरह करवा ली है। इसमें थोड़ा टॉपअप की जरूरत पड़ गई थी दिल्ली से यहाँ तक आने में। तो भाई जो जेरी कैन है वो हम चेंज कराने जा रहे हैं, 20 लीटर वाला जेरी कैन ना मज़ा नहीं आ रहा उसमें। तो मेरा भाई मेरी बाइक ले गया है और वो कह रहा मैं सामान वान बांधता हूँ, इतने तो जेरी कैन लेकर आए बुलेट पे। भाई मनाली में जो है सैटरडे संडे का होता है लॉकडाउन, तो आज है सैटरडे, ठीक है, तो यहाँ लगा पड़ा है लॉकडाउन बढ़िया वाला। और हम लोग मनाली मॉल रोड पर घूम रहे हैं और सारी दुकानें बंद है, देखो सारी दुकानें बंद है और प्रॉपर लॉकडाउन है भाई। 1 minute 37 seconds later भाई ये हमने ले लिया है सामान अपना, क्योंकि दुकानें देखो सारी बंद है, हमने दुकान खुलवा के स्पेशली शटर खुलवा के फिर लिया है सामान। और ये हमारा भाई है, ये मनाली का चेयरिंग भाई है ये, भाई सारा जब भी हम मनाली आते हैं पूरा सारा अरेंजमेंट A to Z चेयरिंग भाई ने करा हुआ है। अगर आपको मनाली आना है तो भाई से कॉन्टेक्ट करना है, इनका नंबर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये जो पुल है भाई साहब ये बंद होने वाला है कुछ टाइम में। और वैसे सारा यार मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था, आप जिसको भी जल्दी से जल्दी लद्दाख कर लो, क्योंकि जो ये वाली चीज़ें हैं ना जो देखने में मज़ेदार मज़ा आता है जो चीज़ों का, वो सब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अटल टनल जैसे एक टनल बन गई, अटल बन गई, उसने 100 किलोमीटर कम कर दिया, पीछे वाली टनल ने कम कर दिया, ऐसे ही करके भाई आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा कुछ टाइम बाद लद्दाख जाने का, क्योंकि ऐसे आपको ऐसे रोड मिलेंगे तो क्या मज़ा आएगा लद्दाख जाने का। तो भाई सबसे मुश्किल काम होता है ये पहाड़ों पर आने का, बैग बांधना। अब आपको मिलेगा ये वाला एंगल देखने को पूरे रास्ते, जिसमें मेरा बाइक का मीटर कम और व्यू ज़्यादा दिखेगा। तो 775 रुपये का पेट्रोल डला आज हमारा, दो बार तीसरी बार टंकी फुल हुई है आज। तो भाई यहाँ से देखो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, हमको उन बर्फीले पहाड़ों में ही जाना है। और यहाँ से है अटल टनल है यहाँ से 21 किलोमीटर, रोहतांग है 50 किलोमीटर, मरली है 31। तो भाई ये है अटल टनल और यहाँ पे है 40, स्पीड लिमिट 40 है। कितनी प्यारी लग रही है, अबे इतनी धीरे क्यों कर ली, इतनी भी कम नहीं है स्पीड लिमिट भाई, इतनी भी कम नहीं है स्पीड लिमिट। क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही, रोक के कर किक मार, रोक के किक मार। तो भाई साहब बुलेट ही बंद हो गई यहाँ तो। रोक ले एक बार, रोक ले, रोक ले एक बार,
भाई यहाँ पे रुकना अलाउड तो नहीं है, पर अब बुलेट ख़राब हो गई, क्या कर सकते हैं। क्या हो गया, हो गई भाई साहब, मैकेनिक नहीं है, दूर दूर तक गांड पड़ जाती है अगर बस ख़राब हो जाती तो। बैठ, चश्मा लगा रखा है लौंडे ने, जयपुरिया भाई है, चल चल बैठ बैठ बैठ, अलाउड नहीं है, रुकना रुकना अलाउड नहीं है। तो ये अटल टनल की एक खास बात है कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना कि हर 200-300 मीटर बाद, मतलब 300-400 मीटर बाद हर एक आपको राइट साइड में, मतलब जाते टाइम राइट साइड में आपको मिल रखे हैं, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, मैंने देखे हैं, काफ़ी सही है। और फ़ोन वगैरह की भी सिस्टम है कि मतलब कॉल वगैरह भी कर सकते हो आप इमरजेंसी एग्जिट वगैरह में, अलार्म वगैरह भी बजा सकते हो, मतलब अच्छी सुविधा है, मतलब फंसोगे नहीं तुम यहाँ पे, मतलब ठीक ठीक सौदा रहेगा तुम्हारा, तो मतलब सेफ़ है अटल टनल काफ़ी। तो विंड ब्लास्ट इतना है कि मेरे को घर आके ये डबिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब विंड ब्लास्ट आ गया था, मैंने वाइसर बंद कर रखा था, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई जो मैं बोल रहा था, मुझे याद भी नहीं मैं क्या बोल रहा था, पर ये घोड़े भी दक रहे हैं, मैं शायद इन पर ही कह रहूँगा कुछ। बाकी यहाँ पे पुलिस वालों ने रोक लिया हमारे को, और पता नहीं क्यों रोका है ये भी नहीं पता, वो आपको पता लग जाएगा ब्लॉग देखते देखते। बाकी बढ़िया है, साफ सौदा लगी हुई है बाइक की चाबी। तो ये स्वैगर पुलिस अंकल ने हमारा गोप्रो बंद करवा दिया, कह रहे गोप्रो बंद करो फिर बात करते हैं तुमसे, तो मैंने तो गोप्रो बंद कर दिया था इस टाइम। चलो भाई बैठ जाओ, रोकनी नहीं है गाड़ी, खींचते हो चलना है, लद्दाख देखना है। तो भाई सीन ऐसा हो गया था, अपना ई पास जो था अपने पे ई पास नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, इनका कुछ भी नहीं था अपने पे, तो हमने फटाफट से क्या कहते हैं यहाँ पे जो लाहौल स्पीति के जानते मैनेजर है ना उनसे बात करी है, तो उन्होंने बताया है कॉल करके कि भाई मैं वहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तुम्हारा, वहाँ से इन्होंने अप्लाई करा, पता नहीं क्या किया, फिर इनको कॉल करी है कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं इनको जाने दो यहाँ से। फिर हम पहली रिवर क्रॉसिंग भी आ गई है, यहाँ इस टाइम इतना ज़्यादा होता है प्रेस, पानी का प्रेशर होता है, इतना तेज़ आ रहा होता है कि बाइक के टायर नाच जाते हैं यहाँ पे। तो जब से दिल्ली से निकले हैं पहली रिवर क्रॉसिंग आई है, और काफ़ी मतलब मज़ेदार था, पानी ठंडा ठंडा आके लगा पैरों में, तो मज़ा आ गया है। बाकी 360 शॉट्स हमारे कैसे लग रहे हैं आपको बताना कमेंट करके, और जहाँ मर्जी का व्यू देखो आप, आगे का देखो, देख रहे हो क्या ओके रिपोर्ट आ रही है, आगे का देखो पीछे का देखो, जहाँ मर्जी का व्यू देखो आप, कोई चक्कर नहीं, मज़ेदार आएगा व्यू। और ये सामने से ब्यास नदी बह रही है, क्या मतलब प्यारी लग रही है ये, और साइड में देख लो कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, और बर्फीले पहाड़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बर्फीली हवाएं चल जाती है, मतलब बर्फीले पहाड़ सामने सामने दिख जाते हैं, तो वो दिल खुश हो जाता है। बाकी मेरे दोस्त हैं वो भी आ रहे हैं पीछे से, तो हमारे हिमाचल लाहौल स्पीति के डिजास्टर मैनेजर के लिए जिन्होंने मतलब सपोर्ट दिखाया, थोड़ा बहुत अपना भाईचारा निभाया, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सर तो आपको थैंक यू सो मच, और आपको लद्दाख भी दिखाएंगे हम पूरा अच्छे से, मज़ेदार। रिवर क्रॉसिंग नहीं है ये, है झरना क्रॉसिंग, और ये देखो कितना प्यारा झरना, और ये हमने कर लिया क्रॉस। अगर मैंने सामान नहीं बांध रखे होते ना बाइक पे पीछे, तो फिर मैं अपनी बाइक भी धो लेता यहाँ पे। तो ये देखिए भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, मज़ेदार लेक है कोई सी, ये पता नहीं कौन सी लेक है, ऊपर व्यू देखने के चक्कर में ना मैं खाई में ना चला जाऊँ, इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है, मैं उस तरह मुँह करूँ और सामने पर मोड़ो। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने डिसाइड करा कि हमारी आँख नाक कान में थोड़ी ठंडी ठंडी हवा जानी चाहिए, क्यों हमने हेलमेट पहन के पैक कर रखा है, थोड़ी हवा लगी चेहरे पे ठंडी ठंडी, तो मज़ा आया। बाकी आप भी व्यू देखो ग्लोब वाला पूरा, मतलब कितनी ओके रिपोर्ट आ रही है, और मज़ा आ रहा है काफ़ी यहाँ पे बाइक राइड करने में बिना हेलमेट के, हेलमेट लगा के बंदा घोड़ा सा बन जाता है, इधर उधर कुछ नहीं दिखता, तो अभी फील ही अलग आ रही है। और अभी टांडी आने वाला है, तो टांडी में पहुँच के मिलते हैं आपसे सीधा।
तो भाइयों ये है पेट्रोल पंप टांडी में, और इस टांडी के बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है ले तक। 875 का पेट्रोल भाई डल चुका है बुलेट में, एनएस में और इस डोलू को मिला के। अब ये दो डोलू और भरने हैं, डोलू के बोल रहा हूँ मैं, इनको जैरी कैन होती है, ये जैरी कैन और ये भी भरने हैं। छोटा सा स्टॉप लिया था, ये भाई मिले बहुत ही प्यारे भाई हैं, इन्होंने हमको गिफ्ट में दिया है लेस का पैकेट। अगर आप तांदी वाले पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में भाई की शॉप है, मोमोज बोल दें, मोमोज बहुत ओके है, मोमोज एक नंबर है, वेज वाले मोमोज बहुत ओके है, मतलब बहुत टेस्टी। पेट्रोल भी डलवा लिया, अपना खाना पीना भी कर लिया, अब चलते हैं। और टाइम कितना हो गया, टाइम बताते हैं हम आपको कितने हो गए। तो टाइम हो गए हैं 5:16। भाई यहाँ पे ट्रैक्टर अंदर चला गया, पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है। देखो वहाँ पे एक कार वाला घुसा हुआ अंदर, कार गिर गई तो वो बंदे जा रहे हैं उसको निकालने के लिए, और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है और लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं बाइक खड़ी करके। तो भाइयों इस टाइम हम पहुँच चुके हैं जिस्पा में, और जिस्पा में नज़ारा अलग ही आते हैं, नज़ारे और व्यू के लिए फेमस है जिस्पा। और अभी अभी हमें पता लगा है कि यहाँ पे कल सुबह स्नोफॉल है, तो हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा मन हो गया यहाँ पे रुकने का कि क्या पता हम स्नोफॉल देख लें। बट हमें पता है कि हमें खड़दुंगला में भी स्नोफॉल मिलने वाली है, पर एक मन है कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, खड़दुंगला में भी देख लेंगे, पर क्या करेंगे हम वो आपको पता लग ही जाएगा व्लॉग में। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर वाला भाई थोड़ा सा पागल हो गया है, वो फालतू में हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है, उसे नहीं पता कि इंसान नहीं है जानवर है, हॉर्न मारेगा तो भिदक जाएंगे ये, पर फिर भी भाई हमारा हॉर्न मारे जा रहा है वो। तो ये है वो जगह जिसका नाम है जिस्पा, ये जगह अपनी वादियों के लिए फेमस है, अपने व्यू के लिए फेमस है, यहाँ पे एक अलग ही वाइब है। अगर आप मनाली से लेह की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी, आपको हर जगह यहाँ पे कहीं पे नेटवर्क नहीं मिलेंगे, यहाँ ऑक्सीजन की कमी मिलेगी या बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा, पर ये पूरे मतलब फुली पेटी पैक जगह है, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ का इशू नहीं है, और मतलब 12 महीने यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहता है। आप जब भी यहाँ पे आओगे आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी, और आप व्यू चेक करो कितना सेक्सी व्यू है यहाँ का, मतलब एक नंबर जगह है ये। पर यहाँ पे रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं है, हमारे को आज स्टे या तो बारालाचा में लेना है या सरचू में लेना है, तो मेरे हिसाब से आज पॉसिबल हमारा बारालाचा ही हो पाएगा। तो हम यहाँ से जिस्पा को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, हम जिस्पा में नहीं रुक रहे, हम जिस्पा को टाटा बाय बाय करके आगे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम वापसी में यहाँ पे रुकेंगे। ये देखो क्या मौसम है, क्या नज़ारे हैं, और हम रुके हुए हैं, और रुके क्यों हुए हैं, जो हमारा साथी है, जो हमारे दो साथी हैं ढीले से जो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, वो भाई का फ़ोन आया अभी, कहते भाई हम तो पीछे रुक गए, मैं कित रुक गए, कहते भाई उधर रुक गए जस्पा पे। मैंने कहा भाई ये सही फिल्म है, और मैं जस्पा से कम से कम 30-40 किलोमीटर आ गया हूँ जस्पा से, यहाँ से 10 किलोमीटर बाद बारालाचा आ जाएगा। पर अब वो कह रहे जस्पा रुक गए वो, क्योंकि उनके बस की नहीं है ज़्यादा चलानी गाड़ी, तो भाई वापस चलते हैं। चलो यहाँ से रोड तो सीधा कटता है, ये रोड ये तो यूटर्न है ना, यहाँ से बिल्कुल सीधा, मतलब ऐसा लगेगा वहाँ से आओगे ना आपको पता ही नहीं लगेगा यहाँ से रोड कट रहा है, इतना ज़्यादा बेकार रोड है, आप तो सीधा निकल जाएगा बंदा। और सीधा मैं आपको बताता हूँ सीधा क्या है, तो सीधा अगर हम जाएं तो यहाँ से है चाइना 10 किलोमीटर, और जानकर है 17, और सिंकुन ले है 40 किलोमीटर, और पाडुम है 150 किलोमीटर। चीका चाइना नहीं चीका। ये मेरे साथी जो हैं ये थोड़े बहुत खिसके हुए हैं, इनको किसी बंदा कोई आ रहा था मनाली से सारा, उसने बोल दिया कि भाई आगे मत जाओ, आगे कुछ भी नहीं है, और ये भाई मान गए। तो गाइस ये जो जगह है ना लाहौल स्पीति वाली, ये इधर लोगों की फटती बहुत है, यहाँ पे देखो COVID-19 प्लीज भारी लोगों का आना मना, लोगों का आना मना है, मतलब सारे मतलब इंडिया की जब पिछले साल की बात है, जब पूरे इंडिया की फटनी ख़त्म हो गई थी ना उससे कोरोना से, इनकी तब भी पट रही थी। जिस्पा में एक बात है, जिस्पा में व्यू बहुत प्यारा है, जब अब देखो जिस्पा का क्या व्यू है, अब जिस्पा अच्छा लग गया तो पसंद आ गया तो जिस्पा ही रुकेगी। तो भाइयों ये हमारा आज का स्टे है यहाँ पे, ये देखो पहले आप सारी जगह देख लो आप, ठीक है, मतलब पूरा एकदम ओके रिपोर्ट है यहाँ पे। अभी आज रात को करेंगे हम बॉन फायर और लेंगे मजे जिंदगी के सारे स्वाद।
मैंने आपको दिखाया था कि हमने स्टे लिया है जिसपा में, और इससे हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है कि थोड़ा वो सोडा वोडा मंगा लिया है, तो एक ओल्ड मॉन्क की बोतल मंगा लिया, चिली पराठा वगैरह मंगा लिए। और ये भाई हमारे गुजरात के हैं जो हमारे से रस्ते में मिले थे मनाली में, और ये हमारे पंडित भाई हैं ये भी। और ये भाई मिले हैं हमारे को अभी यहीं पे आके, जसपा में आके मिले हैं, मतलब आपको समझ आ रहा होगा हाई है। तो अब हमारा प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा बहुत, और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है बस, और क्या कर सकते हो, जो मन करे कर देना, कमेंट भी कर देना प्यारा सा। कल हम यहाँ से ले जाएंगे, ले से पहले कहीं नहीं रुकेंगे, और कल वाली वीडियो एंजॉय करना, आज वाली वीडियो भी एंजॉय कर ही रही होगी, लास्ट वीडियो भी रह चुकी है, मतलब दिल्ली टू मनाली रह चुकी है, मनाली टू जसपा, और अब जसपा से लेगी। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।